भाई सभी किसान भाइयों का मेरी वीडियो में स्वागत है। और भाई आज हम आपको मिलवाऊंगे जैविक किसान से, जो अपनी खेती रासायनिक कीटनाशक और रासायनिक खादों के बगैर कर रहे हैं ना मात्र। देखो भाई कुंडी बना रखी है बड़ी तकड़ी, और भाई ये धरे हैं ड्रम 5-6, 4-1-5। यहाँ तो बहुत से ड्रम धरे थे, और कहाँ पहुँचा दिए। देखो ना ना यंग तो इतनी ही थे मंगा बड़ी दे रहे सड़ांध हो हो रही। मैं मंगा दे रहे हो प्याज पांच पांच छह टमाटर ठाणे समाटर गोभी गाजर सब इसी मैंने में कहा पड़े पोटास हैं। बने चप्पू या पोटास है। या पोटास है। अरे जो इसमें अंडे के छिलके पड़े, अच्छा अंडे भी अंडे हैं। के छिलकों में कैल्शियम हो ना, अंडे तो ज्यादा है हाँ छिलकों में कैल्शियम है। अच्छी लग। तो भाई हम आ गए हैं आज, और बात करवाते हैं भाई। देख लो पहले तो गेहूं, देखो ये गेहूं खड़े हैं, और भाई ये अपली कह रही है, और भाई वो गन्ना खड़ा है सामने ही, उसमें पॉपुलर के पेड़ भी लग रहे हैं थोड़े से। और भाई ये गेहूं देखो, सारे जैविक विधि द्वारा तैयार गेहूं हैं। और भाई हम आज बात करेंगे जैविक किसान से, के जैविक बिना खर्चे के बिना रासायनिक खाद और कीटनाशकों के खेती किस प्रकार कर सकते हैं, अपनी लागत की कर बचा हो जाए। भाई किसान इसमें बचेगा तो मिलेगा, इसमें कोई लफड़दार ना खेती में ज़्यादा होता नहीं, इसमें अपनी मेहनत और बचत है जो हमने बचा ली वो, बाकी और कुछ नहीं है। तो भाई हम बात करते हैं। राम राम जी। राम राम भाई, मेरा अपना नाम नरेंद्र यादव, ग्राम चोरादेव, जिला सहारनपुर। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस हमारे क्षेत्र में जैविक किसान जैविक खेती लोग ना के बराबर ही कर रहे, करनी चाहिए, जागरूक ना के बराबर है हमारे गांव में नहीं भी। है ना, अभी जानकारी नहीं है उन हाँ लोगों को। जानकारी नहीं है कुछ, सरकार भी इतना ज़्यादा मन इसमें देखा। सरकार नहीं, इसमें फायदा हाँ हमारा भी तो है भाई। मैं जैविक खेती 3 साल से कर रहा है, हाँ मन देखा है। मैं खुद उसे अनाज को खाए भी रहा, हाँ तो उसमें मेरे को जो है फायदा मिला है। मैं जो है इसमें ये बना रहा है, देखो भाई। ये जीवामृत है, ये मतलब हमने 2 लीटर के ड्राम रखे, हाँ भाई 5-6 ड्राम उधर धरे, छोटे शुरुआत डिब्बे उनसे ही किया धरे, था। और भाई कुंडी है बड़ी तकड़ी, अच्छी बढ़िया कुंडी बना शुरुआत मैंने उनसे रखी। ही करी थी, जब अच्छा मुझे अच्छा मेरे को रिजल्ट मिलने लगा तो हाँ मैंने और बढ़ा दिया। मेरे हाँ उधर भी है खेत, उधर भी मैंने टैंक रख रखे बड़े बड़े जो है 500-500 लीटर के। इसमें जो है मैंने पानी भर दिया, अच्छा मतलब 200 लीटर की मात्रा ले ली। इसमें पानी की। हाँ हाँ मतलब ये 200 लीटर का ड्राम है ये वाला, हाँ ये जैसे 200 लीटर का ड्राम है, इसमें मैंने पानी का भर लिया। इसमें मैंने 10 केजी गोबर कच्चा अच्छा ताजा, गोबर कच्चा ताजा। हाँ, और 1 केजी बेसन, हाँ 1 केजी या दो, 1 से लेकर 2 केजी तक गुड़ डाल लो। गुड। और जो है इसको खेत में जैसे आए हम सुबह हाँ शाम, जब भी हमारा मौका लगा, जब भी हाँ इसे डंडे से क्लॉकवाइज अपना गमा दो। घुमाया, तो सर्दियों में तो ये 12 दिन में, और अच्छा गर्मियों में जो है ये 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगा। और जैसे अभी ये खेत में पानी चल हाँ रहा है पानी गड्ढे में, चल रहा है भाई खाड़ में को मैं बराबर इसे में को। छोड़ने वाला है इसमें, हाँ तो यो अपने आप ही खेत में फैल जाएगा। इसमें मैंने सिर्फ खड़ी भी डाल रखी है, ए भाई ये अपना और लगा रखे ड्राम में, ये पूरा जो है ये चालू होगा सारे खेत चालू में। कर दूंगा, सारा जो मटीरियल पूरे खेत में फैल जाएगा। यो क्या बना है इसमें, कैल्शियम क्या पोटास। इसमें कैल्शियम भी है पोटास अच्छा भी है, ये जैसे सब्जियों के छिलके हैं, हाँ प्याज होएगी गाजर होएगी जो भी मटेरियल है घर का, वो अच्छा सारा अच्छा वेस्ट इसमें डाल दो। तो भाई 4-5 ड्राम दे रखे, कुंडी बना रखी, और भाई जो है जो रासायनिक खाद है वो नाम मात्र के बराबर प्रयोग कर रहे, और देख लो भाई क्या क्या यूज कर रहे हैं समझ, ये भी खेती में और क्या क्या डाल रहे हैं घर का जो घर भी का सामान जैसे बचे। घर हाँ अंडे के छिलके हो गए, और भाई ये न्यूट्रेंट डाल दो दालों का, इसमें तिल है अच्छा छिलके वाली कोई सी भी दाल, A to Z हाँ मतलब जो है इसे ड्राम में डाल रखी। ये अच्छा जो है ये फसलों को हर प्रकार का न्यूट्रेंट मिल जाएगा इसमें इस वाले में, इसमें क्या क्या। ये इसमें न्यूट्रेंट है दालों का। अच्छा अच्छा जब अच्छा भी हम चलावें जैसे पानी चलाया, हाँ ये इसमें एक बार डाल दो, 5 केजी के लगभग डाल दो, और जो है खेत में छोड़ दो, फिर इसे ड्राम को पानी से भर दो, फिर हाँ ये जो है 1 हफ्ते में हमारा तैयार ठीक हो जाएगा। जब अगला पानी चलाओगे फिर ठीक है ऊपर भाई ऊपर का छोड़ दो, कम से कम हमें 6 महीने जो है हमारा आराम से चल जाएगा। कम। और चाहे कैसी हल्की फसल हो, हाँ यो उस फसल को एकदम जो है खा उसकी देगा ग्रोथ बढ़ा देगा, तो मतलब इसमें पूरा गुड़ नहीं मतलब देगा।
कितना तमा फायदा हुआ आज तक और कितना तमा नुकसान भी है? नुकसान कुछ नहीं है, कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदा। एक तो हमारा स्वास्थ्य बच रहा है। अच्छा, हाँ। भाई स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। हाँ। और दूसरा हमारा पैसा बच रहा है। हाँ। पैसा भी रासायनिक खाद जो है इतने महंगे है रे, ये मतलब गन्ने को तैयार करने में 5-7 बीघे 1000 का बीघे पर खर्चा आ रहा है। हाँ, और ज्यादा आ रहा होगा, मुझे तो इतना पता नहीं। जो दवाइयों का कीटनाशकों का ये उनका आ रहा है खाली, इनका 5-4 हजार का तो आ ही रहा होगा। हाँ, और इसमें तुम कितना ले रहे लगभग? भाई मैं बता, मेरा 22 बीघे करना है, 22 बीघे में 26 हजार का मेरा खर्चा, क्योंकि मैं 1 रुपया भी अगर खर्चा कर रहा है तो मैं लिख कर रखता हूँ। तो भाई 22 बीघे में लगभग 26 हजार का खर्चा, लगभग 1100-1200 लगा लो, 1300 लगा लो ज्यादा। हाँ, इतना ही है, इतना ही हो सकता है। जैसे जैसे चावल बच गया हमारे, जैसे बासी चावल जावे खाए जाते, उनको एक मटके में डाल दो, थोड़ा हाथ से मसल किसी चीज से मसल कर उसमें पानी का भर दो, उसको ऊपर से तो कोई मिट्टी का कप्पड़ नहीं उस पर रख दो, ढक दो, या उसको पॉलीपैक से पन्नी से जो है बंद करके उसको एयर टाइट कर दो, मतलब एयर नहीं जानी चाहिए। तो वो 10-12 दिन में उसका भूमिक एसिड तैयार हो जाएगा। उसको हमें इसे जमीन में छोड़ना चाहिए, इससे जो है हमारी जो ये खाद्य पदार्थ हो, हमारी जमीन जो मतलब निर्जीव हो जा, जो खाद्य पदार्थ को ले नहीं पाती, तो उस कल्चर को इसमें छोड़ने से हमारी जमीन की भूख बढ़ जा, जो है ये खाद्य पदार्थ को लेना शुरू कर दे। तो भाई सबसे बड़ी बात तो यह भी है, समय एक तो जो सामान हमारा घर का सब्जी रोटी दाल अंडे के छिलके कुछ भी कबाब छा मट्ठा दही दूध जो भी खराब हो रहा है बच रहा है वो ला के समय घेर दो, अलग तो कोई गेरने की जरूरत भी नहीं है भाई, पैसों का ही खरीद कर गए ना हम, कोई जरूरत नहीं है, घर का सब फ्री का सामान है। पत्थर है सड़क पर, पत्थर इसी प्रकार का भी पत्थर हो, पत्थर ले आओ, जो फसलों को चाहिए ना न्यूट्रिएंट, 120 होते हैं, 112 पत्थरों में, पत्थर है जो छोटे छोटे रोड है, न्यूट्रिएंट 112 न्यूट्रिएंट इसमें मिलते हैं। अच्छा, जो पोषक तत्व हमारे फसलों को चाहिए, कैसी भी बंजर जमीन हो उस इसका कल्चर उसमें छोड़ दो और जमीन अपने आप ही उपजाऊ हो जाएगी। मेरे पास डीकम्पोजर भी है, डीकम्पोजर से ऐसा है जैसे हमें जल्दी फास्ट बनाना है किसी चीज को, परिहार फास्ट करना है एकदम, तो डीकम्पोजर ये 2 लीटर का ड्राम है, इसमें 1 से 2 केजी अच्छा गुड़ डाल लो। हाँ। और जो है डीकम्पोजर डाल दो, ये डीकम्पोजर भी रखे हैं यहीं पे, मैं इसी में डाल दूँ। अच्छा, यो लाना पड़े, ये मतलब पानी भर लिया हमने। हाँ। इसमें हमने मतलब 100 ग्राम गुड़ डाल दिया। अच्छा, और ये पानी डाल दिया, डीकम्पोजर हमारा तैयार हो गया, बन गया, थोड़ा थोड़ा सा इनमें सारों में डाल दो, डीकम्पोजर जो है ये तैयार हो जाएगा। जैविक खेती में बहुत ज्यादा फायदा, स्वास्थ्य में भी सबसे ज्यादा, तो और तो जो आप गेहूँ तैयार कर रहे इसका कुछ अलग तो भाव मिला क्या इसी रेट? भाई इसका भाव हमें कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें इसका फायदा हमें खुद मिल रहा है। हाँ। यो मिल रहा है कि हमारे पैसे की बचत आ रही। हाँ। अब हमारे घर का हमें मतलब अगर हम पोटाश कट्टा खरीदने के लिए चले जाए। हाँ। तो होगा 400-500 का, मुझे तो पता नहीं इसके बारे में, पोटाश का तो बहुत महंगा होगा, बहुत महंगा होगा, 1000 जा लिया इसके, 800-900 का दिखा मुझे लगा, जो बहुत ज्यादा जा लिया फ्री का ही, तो और यो फ्री का मिल रहा है, फ्री का। मैं ये जो दुकान वाले, एक तो विक्रम है इसकी दुकान है, ये फल बेचे है और जो इसके छिलके हैं सब सब मैं डब्बे में रख रखा है, इसका डब्बा भर का यहाँ पर डाल दो और फ्री का पोटाश उसका घर वो गेर करने पड़े थे, उसका भी अंडा छुट गया था वही अपना दर्द, और भाई अंडे वाले का मैं कट्टा वही रख रखा है उसमें भर और जैसे डाल दू, और फ्री का कैल्शियम मिल रहा है। भाई गेहूँ देख लो, कोई कहीं तक जो किसी को कम लग रहे हो, तकड़े गेहूँ खड़े जैसे लोगों का खड़े, उन तक कम नहीं है, ज्यादा ही हो सके, और खर्चा उन तक बहुत ही नाम मात्र का एक हो रहा है, 20% होगा मुश्किल तो उनकी बराबर खर्चा। हाँ, बहुत ही कम खर्चा है इसमें, दो दो तीन तीन बार तो लोगों ने स्प्रे मार दिए गेहूं पर भी। ना ना ना, स्प्रे बेकार है, ये तो जो है स्प्रे मारो इसी का बनाओ ना, इसी का कल्चर बनाओ, फ्री में स्प्रे तैयार हो इसका। हाँ, तो इसका इसे ही जो है इनके पोटाश के लिक्विड फॉर्म में ले लो, जैसे ड्राम में डाल दिया हमने छिलके, इसके अंडे के छिलके डालिए, उस पानी को छान के इस पर स्प्रे मारो, भाई पोटाश कैल्शियम ये मिल रहा है फ्री में, उसका स्प्रे मारो। और हमें जो है अगर हमें रासायनिक चाहिए तो नीम के पत्ते पकान के पत्ते जो भी चीज को ये डंगर ना खा पत्ते हो उन्हें सारों को इसमें इकट्ठा करके और 20 दिन उसको उसमें कल्चर को जो है उसमें सड़ा कर उसके पानी को और उसे छान का फिर स्प्रे मार दो, देखा कीट आ भी जाएंगे। अगर हम रासायनिक ज्यादा छिड़काव करेंगे तो कीट भी ज्यादा होंगे, हम मित्र कीट भी तो मार रहे हैं ना अपने, यही तो समस्या, इससे मित्र कीट और ज्यादा होंगे,
तो हमारे फसलों में रोग नहीं आने का। अगर हम इस बार 3 दड़ी का 4 दड़ी का 20-25 किलो के बीघे का यूरिया डाल ले तो अगली बार वह ज्यादा मांगेगी, ज्यादा मांगेगी। ज्यादा और मैं मांग अपनी रही वह। बताऊं, मेरा गन्ना खड़ा है, हाँ मैंने इसमें 2 दड़ी का बीघा यूरिया डालता हूँ अच्छा, शुरू के टाइम बस पर। एक बार। हाँ, उसके बाद मैं बिल्कुल भी यूरिया नहीं डालता। अच्छा, सारी लागत तो लगभग मेरे हिसाब से, जो हिसाब से लागत दे रहे उस हिसाब से लागत 20% दे रहे और शुरू में जो। वो 50-50 कर लो, मतलब शुरू में हाँ ऐसा नहीं कि जैविक पे भाई, जाओ। एकदम तो होना ही नहीं है वो हाँ, काम, एकदम धीरे नहीं हो धीरे, सकता है। मतलब दोनों को बराबर हाँ, मात्रा में ले लो। या एक कर ले लो भाई, एक खेत में करके देख लो, साथ साथ सो बढ़ाते चले जाओ खेत मन्ने को। तो सारे में हाँ ये ड्राम लाया था पहले, हाँ ये चाय लाया था शुरू में, जब हाँ मैंने सब फायदा देखा हाँ तो मैंने जो है फिर उधर भी रखे उस खेत में अच्छा। भी, हाँ मंगे बहुत उधर है। भी, और फिर ये बाद में बनाई है। हाँ, अब जा या कुंडी तो मेरे बनाई भाई इसका भाई। बहुत ही ज्यादा फायदा मिला, पैसा बच रहा है हाँ और स्वास्थ्य बच रहा है, और सभी किसान करेंगे ना इस काम को हाँ, तो उन्हें फायदा मिलेगा। समय बहुत कम यूज कर रहे हैं, बहुत ना कि बराबरी लोगों को सा जानकारी नहीं है, लोग न। इसमें, मैं इसकी उससे डर है, पता नहीं एक यार तो क्या चीज है, लोगों हाँ, को जानकारी है ही नहीं, एक तो करने नहीं। यहाँ बिना कट्टे लाए ठाक अकोड़ को छुट्टी करें इसमें यो। क्या करना, अभी यो मन्ने समय छोड़ दिया, पानी अपने आप हाँ चलेगा, कुछ करने की हाँ जरूरत ही पर नहीं। कोई जरूरत नहीं है, अगर फिर भी लोग इसकी तरफ को डर रहे, पता नहीं क्या सोच रहे हैं, कि आ नहीं रहा यो, लोगों नहीं को आ इसके रहा। बारे में जानकारी हाँ नहीं है, जानकारी नहीं है, पर जब टाइम कर लगेगा, यही 20 साल बाद है इसका, 20 साल बाद यो बहुत इस ज्यादा पद्धति बढ़ पे हमें जाएगा। आना पड़ेगा, हाँ अगर मजबूरी भी हो हमें अपनी जाएगी। जमीन और हमें खुद हाँ को अपना स्वास्थ्य बचाना है ना, हाँ तो इस पद्धति पर आना ही पड़ेगा। आना तो नू करना नहीं पड़ेगा। चाहिए एक दो 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 बीघे में एक कट्टा घेर रहे यूरिया का, भाई, मैं 2 बीघे का आना नू नहीं है, मैंने पड़ेगा। 6 बीघे का ये नर्सरी, इसमें मन्ना हाँ जो है ये गन्ना 6 बीघे, इसमें मन्ना सिर्फ 1 कट्टा डाला था, अच्छा उसके बाद मैंने कुछ नहीं इसमें डाला, अच्छा और ये अच्छा 70-60 से तक आराम से निकलेगा, 60 क्योंकि तो गया कुछ ही नहीं गया है। नहीं कहीं। हाँ लागत तो इसके हिसाब से जो 50 भी नहीं कर रहा है ना यो तो हाँ, जी भी फायदे में, तो 70 वालों तो 75-80 वालों तो अब है। बारिश कम हुई ना, हाँ उसका फसल को नुकसान हुआ, जैसे बारिश में भी बहुत ज्यादा तो आठ होते तो बारिश में भी हो, हाँ जिससे रोग भाग गए मारे और फसल को चाहिए। तो कहने की बात यह भाई, रासायनिक का प्रयोग साथ साथ कम करो, धीरे धीरे कम कर और दो, हाँ एकदम तो होना नहीं है वो, साथ साथ कम करो। और यो जैविक है जो, यो बहुत फायदे का, बहुत इसमें ज्यादा तो फायदा, घर तो कुछ इसका लगना ही नहीं। जानकारी होनी चाहिए सारी। एक बार ड्राम से ले आओ, जाते बिना छोटे स्तर पे ही करो, ये अपने प्लास्टिक के ड्राम से ले आओ छोटे छोटे, और इन्हीं से फायदा भी अपने नहीं घर का जो होगा। बचे कबाड़ दबाड़ जो भी बच रहा, छा मट्ठा दही सब्जी फल फ्रूट, ये तो सबका ही, सब इसी में डाल दो, सबका मूंगफली के छिलके सब बताओ। अंडे डाल दो, खा का पत्थर रे, है, अंडे के पत्थर में छिलके, 112 तत्व पाए जाए जो फसलों के पत्थर बता लिए, फ्री के हैं, तो सारे सामान फ्री के। यार इसमें पैसा भाई लगता ही नहीं, इन्हें पैसा करके क्यों वेस्ट देखो करे बिना बात। तो भाई, किसान भाइयों तो यही है कि अपना साथ साथ जैविक को थोड़ा सा अपना खर्चा बचाओ, जिससे कि आमदनी बढ़ेगी। आमदनी स्वास्थ्य बढ़ने का सबसे बचेगा। बढ़िया तरीका है कि खर्चा अपना कम करो इसमें, खेती में, बस यो सबका आसान तरीका। तो भाई जितने भाई वीडियो को देख रहे हैं, भाई वीडियो को शेयर, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें।